कसौटी जिंदगी की। भाई आज तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी ट्रीट है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में, आने वाले प्रोमोज में आप देखेंगे कि अनुराग की याददाश्त वापस आ गई है। वैसे सीरियल में इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा भला कहाँ होता है। मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अनुराग की याददाश्त भला इतनी जल्दी। मुझे तो लगा अभी प्रेरणा और सोनालिका में बहुत फाइट होगी, अभी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, सोनालिका के नए नए रूप देखने को मिलेंगे और उसकी चीज़ें धीरे धीरे बाहर आएंगी, धीरे धीरे एक एक लोगों को शक होगा। लेकिन भाई यहाँ तो प्रोमो में जिस तरह से दिखा रहा है कि अनुराग कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है, तुम कमौलिका हो, इतना ही देखेंगे आप प्रोमो में। वैसे ये सब हुआ कैसे, चलिए वो बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी बासु फैमिली और शिवानी और प्रेरणा सब विशाल की पार्टी में हैं। सब लोग वहाँ पे हैं और इस पार्टी में सोनालिका गलती पे गलती किए जा रही है। यहाँ आप देखेंगे रोनित चाकू लेके पूरी पार्टी में घूम रहा है। वो दो बार प्रेरणा को मारने की कोशिश भी करता है पर अनुराग बीच में आ जाता है तो वो मार नहीं पाता। ऐसे में रोनित ऊपर जाता है और उसे दिखता है झूमर, झूमर की वो रस्सी काटने की कोशिश करता है। और इधर प्रेरणा और शिवानी में कन्वर्सेशन चल रहा है। शिवानी प्रेरणा को यकीन दिला रही कि उसने जिसको देखा वो रोनित और सोनालिका ही थे। प्रेरणा को यकीन नहीं हो रहा, उसे लगता है उसकी आंखों में कुछ धोखा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो समझ नहीं पा रही है। वो लोग बाहर आते हैं, उस वक्त सोनालिका एक वॉचमैन से बात कर रही होती है। प्रेरणा को लगता है कि शायद गलती से शिवानी को वो वॉचमैन रोनित लगा होगा, लेकिन शिवानी पूरी तरह से कन्फर्म है उसने सोनालिका और रोनित को साथ में देखा। इधर रोनित अपनी बहन यानी सोनालिका के कहे हुए शब्दों को लेके चल पड़ता है और उसे प्रेरणा को जान से मारना है। प्रेरणा उस पूरी पार्टी में सेंटर पे बैठी होती है। अनुराग ने ही उसे बैठाया था। अनुराग उसे डांटता है कि जब से इस पार्टी में आई हो, यहाँ वहाँ घूम रही हो, तुम एक जगह बैठ जाओ। उसकी ये केयर देखकर जहाँ शिवानी और प्रेरणा को अच्छा लगता है, वहीं बासु फैमिली यानी मोहिनी, निवी और खासकर सोनालिका को आग लग जाती है। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि जब देखो तब अनुराग प्रेरणा के पीछे पीछे घूमता रहता है। रोनित ऊपर जाता है और वो उस झूमर की रस्सी काटने की कोशिश करता है। रोनित झूमर की रस्सी काट रहा होता है तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है। वो रोनित को देखता है, रोनित उसे पैसे देता है और जाने के लिए कहता है। तभी वेटर की नज़र पड़ती है रस्सी पर जो टूटने ही वाली होती है। वेटर चिल्लाने वाला होता है कि रोनित उसका मुंह दबा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ अनुराग देखता है कि झूमर गिरने वाला है, उसके नीचे प्रेरणा बैठी है, उसके साथ होती है सोनालिका। वो सोनालिका को धक्का देकर भागकर अपनी जान लगाकर अपनी प्रेरणा को बचा लेता है। भले ही अनुराग को वो दो साल ना याद हो, प्रेरणा और उसका बच्चा ना याद हो, लेकिन आज अनुराग ने फिर से एक बार एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया। वो भागकर अपनी प्रेरणा को बचा लेता है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिवानी बहुत परेशान हो जाती है कि ये हो क्या रहा था। अनुपम को थोड़ा शक होता है, वो देखता है सोनालिका इस पार्टी से गुस्से से बाहर जा रही है। वो बाहर जाता है तो सोनालिका गाड़ी के पास बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है। अनुपम उसके पास जाता है तो सोनालिका वॉमिट करने का नाटक करती है कि उसे उल्टियाँ हो रही हैं, अंदर बहुत सफोकेशन है, तो वो यहाँ से निकल रही है। अनुपम को पहले से ही सोनालिका पर डाउट था। एक बार फिर से उसे लगता है कि सोनालिका को उल्टियाँ नहीं हो रही थी, ये वो नाटक कर रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। सोनालिका अपने भाई पर चिल्लाती है कि एक काम दिया था वो नहीं हो पाया, और वो अपने भाई को गाड़ी में बिठा के डिग्गी में डाल के उसे लेके निकल जाती है। और उधर अनुराग ये सब कुछ हादसा देकर बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी प्रेरणा को कहता है उसे और शिवानी को घर छोड़ेगा। वो नीवी को बोलता है वो माँ को और अनुपम को घर ले जाए, वो प्रेरणा को उसके घर छोड़ के आता है। अनुराग, शिवानी और प्रेरणा गाड़ी में जा रहे होते हैं, उससे दो मिनट पहले ही सोनालिका और उसका भाई निकला होता है। रास्ते में सोनालिका रुकती है, अपने भाई पर बंदूक तानती है गुस्से में कि वो एक काम नहीं कर पाता। ऐसे में पीछे से अनुराग अपनी गाड़ी से आ जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा फिल्मी ड्रामा लगेगा, थोड़ा ओवर होता नज़र आएगा शो। सोनालिका का भाई रोनित वहीं है पर अनुराग, प्रेरणा और शिवानी तीन लोगों से देख नहीं पाते, ये थोड़ा ड्रामेटिक हो जाएगा। वो गाड़ी के चारों तरफ घूमता है, ये सब भी उतरते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते और वो चुपके से गाड़ी में बैठ जाता है। खैर शो है, ये सब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सोनालिका अपने भाई को लेकर निकल जाती है और अनुराग प्रेरणा को लेकर उसे घर पहुंचता है। अनुराग को देखकर प्रेरणा और शिवानी के साथ अनुराग को देखकर प्रेरणा की माँ थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि इतनी रात में अनुराग छोड़ने आया। अनुराग प्रेरणा को घर छोड़ता है, उसकी माँ से बातें करता है और तभी उसे सोनालिका का कॉल आता है और वो तुरंत निकल देता है। इधर बीच में एक चीज़ आप और मिस मत करिएगा, जब रोनित वो रस्सी काट रहा होता है, वो झूमर की रस्सी काट रहा होता है, तो जो वेटर उसे देख लेता है, जिसे वो पैसे देता है,
वो उस वेटर को धक्का देके वहां से भागेगा, और वो वेटर पूरी पार्टी में और बाहर जाकर भी रौनित को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन रौनित मिलता नहीं है। मे बी ये हो सकता है आज नहीं तो कल उस वेटर से रौनित का स्केच बनवाया जाए, शायद रौनित तब पकड़ जाए। शो में आगे मेकर्स क्या करते हैं इसका करना पड़ेगा हमें थोड़ा इंतज़ार। खैर, आप जल्दी देखेंगे अनुराग को उसके 2 साल याद आ जाएंगे। अब याद आते हैं या नहीं, जिस तरह का प्रोमो आया है उसे तो यही लगता है कि अनुराग को सब कुछ याद आ गया है। अनुराग घर पहुंचता है और प्रेरणा को कॉल करता है, तुम ठीक तो हो? प्रेरणा उससे आज एक ऐसा सवाल पूछती है जो उसने आज तक नहीं पूछा, वो उसके बच्चे का इतना ख्याल क्यों करता है, वो उसकी इतनी केयर क्यों करता है, आखिर वो लगती क्या है अनुराग की? अनुराग के पास कोई जवाब नहीं होता। उसने बहुत पहले एक बात कही थी कि जब भी प्रेरणा उसके साथ होती है उसे बहुत अपनापन लगता है, ऐसा लगता है वो प्रेरणा से सब बातें कर सकता है। ये चीज़ वो सोनालिका, मोहिनी या नीवी के साथ नहीं कर पाता, और इसी में जल्द ही आने वाले प्रोमो में आप देखेंगे कि वो सोनालिका की तरफ मुड़ेगा और कहेगा कमौलिका, अपनी माँ को बोलेगा उसे सब कुछ याद आ गया है। माँ, नीवी और सोनालिका, सबके चेहरे शॉक्ड हो जाएंगे, सबको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हुआ, अब अनुराग की ये याददाश्त सच में वापस आ गई है या अनुराग सिर्फ नाटक कर रहा है। यह इस आने वाले प्रोमो में जो दिखाया जाएगा वो इतना सच नहीं है। क्या है सच, वो सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।